हमारे बहुत सारे ये ना कबूतर आए हैं, इनको पता हम जाने वाले हैं। सौरभ, कबूतरों का पता चल के हम जाने वाले हैं थोड़े दिनों में। पानी वगैरह देते थे ना हम कभी कभी पीने को, या ऐसे कुछ खाने भी डाल देते थे। चलो कोई बात नहीं, वापिस आ गए। आई विल मिस यू गाइस यार, सीरियसली। तुम्हारे को रोज देखती थी वहाँ पे, है ना, यहाँ पे। सॉरी कबूतरों का, सॉरी। वेलकम बैक टू रिच एंड सोलावर्ड। तो डेफिनेटली हम लोग ये व्यू मिस करेंगे, बट वील गेट द बेटर व्यू फ्रॉम दिस व्यू एज वेल। एंड वो उनको मिस करेंगे, आप मेरे साथ ही रहने वाले हो, आपको मिस नहीं करूंगी मैं। तो अभी है, हो चुकी है सुबह की मॉर्निंग, और जैसे कि किस्मत है, मुझे तेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस पूरा मैस, ये पैकिंग चल रही है। जैसे आपने देखा कि हम लोग ऑलरेडी पैकिंग कर रहे हैं, हमने ऐसे छोड़ दी थी, मैं ऐसे सो गई थी, थकी हुई थी इतनी। तो अभी हम ये पैकिंग को करने वाले हैं फिनिश। अभी हमारा एक रूम करना है, अभी ये पूरा बर्तन करने हैं, वो सब लास्ट में होगा। बट अभी आज हम बना रहे हैं पास्ता। सो दिस इज पास्ता, और ये बन रहा है गस्टो से, जो कि सौरभ का फेवरेट है। इसमें दाल डूल के पालक वालक पता नहीं क्या क्या बना रही है। नहीं, ये थोड़ा बहुत मैं बना रही हूँ, बिकॉज काम दोनों को ही करना पड़ेगा। और अभी आपको दिखा देते कि क्या अपडेट है। ये वाला रूम आज हम करने वाले हैं, आज पूरा खाली, मतलब उस कपड़े वपड़े निकाल के। और ये हमने पूरा डन कर दिया है, ऑब्वियसली सोने के लिए तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए ये सब नहीं उठाया, ये फाइनल है। बट सारा इसका खाली वाली कर दिया, खोल के दिखाओ। ये मतलब बेसिकली अगर आप देखो ना, ये सब खाली कर दिया हमने, ये सब खाली। कमिंग टू सेकंड रूम में, हाँ, ये पूरा का पूरा बेड बुड सब ऐसे रहने वाला यही पर। हाँ, क्योंकि हम इसको नहीं लेके जाने वाले, ये एक्चुअली छोटा है। और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे सारे किंग बेड आने वाले हैं, या किंग से भी ऊपर कुछ होता है क्या? नहीं, सुपर किंग, सुपर किंग होता है तो हम वो भी हो सकता। तो ये वाला बेड हम यही छोड़ जाएंगे, झूमर हम डेफिनेटली ले जाएंगे, और अलमारी वगैरह भी छोड़ देंगे इधर ही, खराब है। और उसके बाद इधर का भी हमने स्टार्ट करना है, ये सब करना है। बट लेट्स सी कैसे धीरे धीरे होता है। वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज हमें कमेंट्स में बूस्ट करो कि यस यू कैन डू। अगर कोई फ्री है हमारी हेल्प कर सकता है शिफ्टिंग में, तो प्लीज डेफिनेटली वी वुड लव टू। अगर आप हेल्प करो तो हमें कॉन्टेक्ट करो, हम आपकी हेल्प लेना पसंद करेंगे। मैंने आज किया उबले हुए आलू को फिर से उबाला, मैंने इसको बोला ये आलू उबला हुआ है, ये मैंने अभी उबाल के रखे हैं। और इसने क्या किया, इसने सुनी नहीं मेरी बात, उबले हुए आलू को वापस उबालने लग गया और बोलते हैं अरे यार आलू बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। अरे यार भगवान, तुम जो आलू उबले हुए हैं, और ये देखो फिर से बैठ गई यार, टांगें दर्द होने लग गई है सुबह से, खड़ी हूँ यार। और किया कुछ नहीं है, किया है एक बैग पैक किया है, एक बैग पैक किया है। हाँ। उसमें क्या था, पास्ते का काम डाला ना, उसमें पूरा आधा घंटा लगा है और पूरी थकावट हो गई है उसमें। हाँ। तो कुकिंग बंद करो, सबक ले लिया है, पिज्जा खाओ, दलिया खाओ, सब कुछ 5 मिनट में बनाने वाली चीज खाओ। ये हमसे गलती हुई कि हमने कल भी वही गलती कर दी कि हमने ना, हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग करने लग जाते थे, उसमें क्या पैकिंग रह जाती है। तो अभी हमने सोच दिया है कि कुकिंग कुछ नहीं करनी, अगर बनाना भी है तो सिंपल पोहा दलिया जो 5 मिनट बनता है, और उसके अलावा पिज्जा खाएंगे या बाहर से लेके आएंगे। बट पैकिंग पे जो फोकस करना है, वो पैकिंग पे ही फोकस करना है। तो अगला एक हफ्ता हर दिन के 2-2 घंटे पैकिंग करने हैं, मतलब अभी नहीं पता, हो सकता 2-3 दिन में निपटा दे, क्योंकि इतना लंबा भी मुझे खींचना नहीं है। बट ये है कि लेट्स सी कितना टाइम लगता है, वी स्टिल हैव 1 वीक टू गो, बट उस 1 वीक के दौरान हम जितनी जल्दी कर सकते हैं करके खत्म करेंगे। अच्छा, ये पैरों को क्या कर रहे हो? वो चीज कट है, वो चीज नहीं आएगी, सबसे पहले लंबा वाला मिरर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, वॉकिंग वार्डरोब बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हूँ, उधर सौरभ भी रेडी हो रहा है। और उस पहले सबसे पहले हम पूजा करेंगे, खाना खाएंगे, एंड देन उसके बाद हम वापस से पैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ तो थोड़ा बहुत गंद रखा हुआ है हमने, जो बाहर फेंकना है। अभी 11:30 हो गए हैं, पहले पूजा कम्प्लीट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ अपना जो हमने पास्ता प्रिपेयर किया है इतनी मेहनत लगा के, उसको तो खाएंगे ही, लेकिन अभी इसके बाद कुकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज पैकिंग हमें पहले फिनिश। जय माता दी, हो गई है पूजा, और आज हमने थोड़ा सा ना छोटा सा केक भी प्रिपेयर किया है, और इधर बन रहा है पास्ता। पास्ता तो बन चुका है, चाय बन रही है साथ में पास्ता,
और थोड़ी देर आधा घंटा घंटा रेस्ट कर लेते, टीवी देख लेते हैं। सौरभ सुबह से लगे हुए यार, थक गए सच्ची में, 12 बज चुके हैं, 4 घंटे लगातार। तुमने गत्तों का टप्पों का भी यूज कर लिया क्या? अब ये सब भी खाली करना है। यार सौरभ हमने इतना सामान कर लिया और अभी आधा भी नहीं पैक हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा हमने इतना सामान कहाँ से हुआ। अभी कोई भी डेकोरेशन चीज नहीं पैक हुई, अभी सोफे ये सब और डाइनिंग टेबल पड़ा है, बेड करना पैक। ओ बाप रे, हमने इतना सामान कैसे ले लिया यार? अभी तो इतना ये सारे पैक होने, बट मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उसका आंसर चाहिए। अभी किचन तो पूरी पैक ही नहीं हुई, 5 साल में ना सब भरी जा रहे थे, लाई जाओ खुआ बना दे, खुआ जो मर्जी आई जा रहा। तो भाई ऑल सेट, कहाँ जा रहे हैं सौरभ? घूमने फिरने के लिए अभी तो इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो कपड़े डोनेशन के लिए है। हाँ, ये एक्चुअली हमारे जैकेट्स, थोड़े चादर, थोड़े बेडशीट से सब डोनेशन में डालने वाले हैं। और ये हमारा है एक्चुअली बारबेक्यू ग्रिल, जो हम अपने फ्रेंड को देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसके पास गार्डन है घर में, तो वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी आज हमने ये सब निकाल, अभी हम वापस दे रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रांड की तरफ से आया था, तो हमारा कोई यूज नहीं है। यहाँ पे हो रही है कोई तो बर्थडे पार्टी, और बच्चों ने पूरा कहते ना वो डाल के रखा हुआ है। अरे यार ये मेरी लाइट क्यों ऑन हो गई? बंद करो फिर। ओह आज मैं कैंट लग रही हूँ, कैंट मेरी जैकेट देखो कैंट लग रही है ना, अपने मुंह मियां मिठो ऐसे ही बंद कर रहा है। बोलना कि कैंट है। अरे मैंने कितने दिनों बाद ये जैकेट निकाली है, फाइनली पता नहीं कितने दिनों बाद आज मैंने अपनी ये वाली चप्पलें निकाली है, बट दैट्स फाइन। तो अब देखो फुल टॉस में भी वैसी फीलिंग आ रही है, हम लोग कहीं ना घूमने फिरने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे ना, जैसे ये पकड़ के ये देखो यहाँ पर पूरा क्या हुआ, ग्रुप बने हुए सबके। अरे हाँ वो बच्चे खेल रहे हैं ना किसी के बर्थडे पार्टी, चलो आई एम ओके। खाया नहीं लगता, सुबह से जान प्राण गई हुई है। हिम्मत रे मता, मदद है खुदा, उठाओ इसको डालो अंदर। बहुत हैवी है। कैसे? मुझे लग रहा 25 से भी ज्यादा है, 25 किलो। तो फटाफट अंदर डालो, उठा के। करो फटाफट, देखते कितनी हिम्मत है। नहीं हो रहा तो मैं करता हूँ, चल रहने दे मैं कर देना। ओ गड्डी ना खराब कर दी, स्क्रैच ना पा दी। ये है वैसे लड़की में जान तो बहुत है। ये हम टेस्को में, बट अभी हम पहले टेस्को में ये कपड़े डाल के ना, उसके बाद फिर हम जाएंगे फ्रेंड के घर में सामान देने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं यार जो चल रही है अभी दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी बस ये रहा। इधर ही खड़ी खड़ी कर लो, कर सकते है क्या? क्लोज एंड शूज यहीं पे खड़ी कर लो ना, ताकि फिर बार बार आना ना पड़े। इज इट ओके? ओके गाड़ी तो उसकी आगे ही होगी। यहाँ पे हमारे फ्रेंड का घर है, हमेशा उसका घर नंबर भूल जाता है, हाउस नंबर, रेड कलर की कार। हाँ यही है उसका घर, इसको निशानी है ये, यही पे उसको हम देने वाले हैं बारबेक्यू ग्रिल। अरे बस यार हम ना, ये लो जी, थैंक यू हाय आपको। भाभी आप लोग इसको खोल के खुद ही करना जो करना, क्योंकि मेरे पास दो पैकेट्स आए हुए थे, तो एक तो मैंने खोला प्रमोशन करना था, वापस उसको पैक कर दे क्योंकि मेरे पास इस्तेमाल करने को वो ही नहीं है। आज हम आए हैं किंग्सबरी की साइड में, यहाँ पे काफी अच्छी ये भी मतलब मार्केट है, काफी सारा सामान है। और अभी हम सोच रहे थे डोसा खाने का, वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो फिर इधर बैठ जाते हैं बॉम्बे स्पाइस में, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट ही है। ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल 500 कैलोरीज खाए तो 1000 कैलोरी में कुछ भी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तुम पहले ढूंढो जिस शॉप में हम आए थे। इधर है किंग्सबरी स्टेशन और ये रहा हमारा श्री डोसा हाउस, प्योर वेजिटेरियन। हाँ बस अभी खाने को अच्छा मिल जाए, चले बूढ़ी आते ही खत्म। इतनी टेस्टी है ना, और भूख भी लगी हुई है। वी हैव यहाँ पे और पनीर चिल्ली डोसा और उत्तपम। आप शेयर कर रही हैं, हाँ ये डोसा आधा मिलकर आधा कर रही है। टेस्ट इसका ठीक है, बट वो श्रीलंका जैसा नहीं है, बट इट्स ओके, नाइस।
खाने लायक है, हमने सोचा चलो नया ट्राई करते हैं। लेकिन सांभर अच्छा नहीं था, सांभर ना ऐसा लग रहा था कि जैसे टोमेटो सॉस डाल दी उसके अंदर सांभर के अंदर। हाँ, चटनी भी पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही थी उसके अंदर, और जिंजर गार्लिक की, बट वो चेन्नई श्रीलता का डोसा टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। चेन्नई श्रीलता ना हमारा रेगुलर गो टू प्लेस है, इसलिए हमें उसका टेस्ट बैठा हुआ है मुंह पे। और अभी हम सोचते थे चल चेंज करते हैं, कहीं और जगह पे ट्राई करते हैं, बट मतलब जेन्युइनली डोसा वगैरह अच्छा था, लेकिन सच्चा सांभर ही अच्छे नहीं थे, तो फिर खाने का टेस्ट नहीं आता, बट ओवरऑल ओके है वन टाइम। तो चलो जी, सोसाइटी में आ गए हैं, सारे दिन चले गए बच्चे बच्चे खेल खूल के, अब सब वॉक करने की टाइम है। सर वॉक करी बड़े आज तक जिंदगी में? 5 साल में वॉक नहीं की मैंने। नहीं मैं नहीं कर रही, मैं थक चुकी हूँ अभी अभी, मेरे को जाके खतरों के खिलाड़ी। यार मेरे को ना मीठा खाने का मन हो रहा है, मैं तुम्हें पूछा ना मेरे पान खिला दो। गुलाब जामुन कहाँ से लाओगे अभी इस टाइम पे? नहीं नहीं चाहिए मुझे वो, मुझे बनावटी चीजें नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल रेडीमेड चाहिए बने हुए।